प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को सड़क रेल समेत 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। जांजगीर जिले में संबोधन में बोले, नया और आधुनिक छत्तीसगढ़ बनाने पर काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में तालचेर उर्वरक संयंत्र की आधारशिला समेत झारसुगड़ा में हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे आयुष्मान भारत अभियान का शुभारंभ। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर होगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा। राफेल लड़ाकू विमान सौदे के तहत भारतीय साझेदार चुनने में सरकार की भूमिका नहीं, फ्रांस सरकार की सफाई के बाद रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा बेवजह पैदा किया जा रहा है विवाद। आतंकियों और पाकिस्तानी सेना की हरकतों के बदले होगी कठोर कार्रवाई, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का बयान, कहा बर्बरता का सहारा लिए बिना उन्हीं की भाषा में देंगे जवाब। और 91 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से असमिया फिल्म विलेज रॉक स्टार का चयन। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में भेजने का फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया ऐलान। 4 कैटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी फिल्म का 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में प्रदर्शन।